नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। और श्रेष्ठ भारत आज आपको ऐसी जगह पर लेके आया है जहां पे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारत फिट रहता है। ना कोई जिम है, ना कोई योगा सेंटर, लेकिन एक गांव है जहां पर अपने आप को किस तरीके से फिट रखा जा सकता है, आज हम आपको बताने वाले हैं। और फिट भारत मुहिम को लेकर जब श्रेष्ठ भारत आपके सामने पहुंचा है तो गांव में हम आए हैं, लोगों से भी मिलवाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वक्त हम एक गांव में मौजूद हैं और मेरे साथ एक शख्स भी आप देख रहे होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये देसी अंदाज में कैसे अपने आप को फिट रख पाते हैं और आखिर कैसे देसी अंदाज में ये संदेश देते हैं कि भारत को फिट रहना चाहिए। सबसे पहले आपका श्रेष्ठ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइएगा, सबसे परिचय बताइएगा, उसके बाद हम इन चीज़ों के बारे में भी पूछते हैं। मेरा नाम अरुण अमृत है और मैं यहीं इसी गांव में रहता हूं। और बाकी आप देख ही रहे हैं, आपने सेटअप देखा है यहां पर, तो यहां पर हम वर्कआउट करते हैं और बच्चे जो कि गांव के हैं वो आते हैं, उन्हें हम वर्कआउट कराते हैं। काफ़ी लोग हैं जो जिम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो देसी जिम में हम उनको बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं, वर्कआउट कराते हैं। बाकी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका और आप देख ही सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या वर्कआउट होता है इसमें देसी तरीके से। तो हमारा बस यही मानना है कि हम लोगों को प्रेरित करें कि देसी कल्चर में हम लोगों को लाएं। आजकल बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो हमारी मुहिम यही रहती है कि देसी कल्चर हम लोगों के अंदर तक घुसाएँ। तो परिचय तो हो चुका है, लेकिन अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे, अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो आप घर पे वो डंबल बना सकते हैं, डंबल उठा सकते हैं, देसी अंदाज में किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं। अरुण भाई, ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सीमेंट से कुछ डंबल्स बने हैं, ये कैसे बने और कैसे इसका यूज़ होता है, कैसे अपने आप को फिट रखा जा सकता है, एक बार थोड़ा सा आप हमें दिखा भी दीजिएगा, बता भी दीजिएगा कि ये कैसे कैसे कितने किलो के हैं, कैसे पता लगता है, कैसे बनते हैं ये। हर्ष भारद्वाज जी, ये अभी हमने हैंडमेड ये हम बनाते हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर पूरे सीमेंट है और अंदर पाइप, लोहे के पाइप जो होते हैं जो नॉर्मली घर में यूज़ होते हैं, तो उनको हम ग्रिप के लिए वो पाइप हम यूज़ करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, ये हम अपने खुद से ही अपने यहाँ पर बना लेते हैं इन लोगों को, ये चीज़ जो है डंबल्स और ये इक्विपमेंट्स जो हमारे हैं, तो हम ये नेचुरल पूरे हैंडमेड खुद ही बनाए हुए हैं। तो देखा आपने, ये जो आप डंबल देख रहे हैं इस वक्त, ये सीमेंट के बने हुए हैं दरअसल। और जिस तरीके से अरुण भाई बता रहे हैं कि ये सीमेंट से बनाए जाते हैं और इसमें ज़्यादा खर्च वगैरह कुछ नहीं आता है, बस सीमेंट लाना है आपको और इसको बनाना है और फिर आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब अरुण भाई ये बता तो चुके हैं कि ये सीमेंट से बने हैं, लेकिन अब हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इसे उठाया जाता है और किस तरीके से आप अपने आप को फिट रख पाते हैं। तो इस वक्त दो और शख्स को आप देख रहे हैं, इसी गांव के हैं और आप देख पा रहे हैं कितने फिट हैं। अरुण भाई, फिट कैसे रखा जाए अपने आप को, क्योंकि सीमेंट से हमने डंबल तो बना लिए, अब आप जिम जाएंगे, हम देखते हैं जिम ट्रेनर काफ़ी चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों को हम अपनाएं तो काफ़ी पैसा भी लगता है, कई चीज़ें भी लगती हैं, लेकिन जब देसी अंदाज में अपने आप को फिट रख पाते हैं तो सबसे पहले फिट रखने के लिए क्या करा जाए। सबसे पहले फिट रखने के लिए मैं सब लोगों के लिए बोलूँगा, सबसे पहले अपने माइंड को फिट रखना ज़रूरी है, अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स और सही रखना ज़रूरी है। तो उसी से ही हमारा सब कुछ चलता है, दिनचर्या उसी के हिसाब से हमारा चलता है। और बाकी ये हमारा इक्विपमेंट हमने बना रखा है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, तो बाकी ये वर्कआउट करेंगे और डेली व्यायाम करने से बॉडी एकदम रिलैक्स होती है, माइंड भी रिलैक्स होता है, बाकी कुछ भी दिन का दिनचर्या जो होगा वो एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया निकलेगा। ठीक है, तो एक करके ज़रा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को किस तरीके से इस डंबल से आप लोग एक्सरसाइज करते हैं। चलो राहुल, बाइसेप्स। तो अरुण भाई, ये जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लगभग कितने सेट इसके मारने चाहिए और आप इसका यूज कैसे है, कैसे ये फिट रख पाते हैं डंबल आपको? नहीं देखो, बात ऐसा है कि अपने पर्सनल जो अपने नॉर्मली जिस जितनी स्ट्रेंथ होती है, सपोज़ करो हिमांशु है, हिमांशु की स्ट्रेंथ है 10 सेट करने की या 5 सेट करने की, वो इतनी करेगा। और राहुल थोड़ा सीनियर है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा, ये 10 भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के क्राइटेरिया नहीं है कि 5 करो या 4 करो, जिसके जैसे स्ट्रेंथ है वो देखनी पड़ती है हमें कि भाई वर्कआउट कैसा कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है। प्रैक्टिस सारा देखो, प्रैक्टिस के सारा गेम होता है।
देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, डंबल है, डंबल में हम आपको अलग अलग एक्सरसाइज होती है, जैसे बाइसेप्स हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, और लेग्स भी हम कर लेते हैं, काफ पूरी बॉडी पार्ट हम डंबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वो जो मशीन रखी है वो क्या है ये मुझे ये बताइएगा। हाँ ये आ जाओ राहुल, राहुल आप आओ, इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। बाइसेप्स, इसमें हम बाइसेप्स कर सकते हैं, बैक, बैक करो। तो आप देख रहे हैं कि अरुण भाई बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इससे आप अपनी बैक को ठीक रख सकते हैं, अपनी चेस्ट को ठीक रख सकते हैं और देसी अंदाज में बिल्कुल आप अपने आप को फिट रख पाते हैं। कोई ये जिम वाला इक्विपमेंट नहीं है, सीमेंट से बना हुआ है और आसानी से आप इसे बना सकते हैं और आसानी से आप इसे कर सकते हैं। यही देसी अंदाज है भारत का, जो खास तौर पर आपको दिखाता है कि हमारा भारत ऐसा है जब अपने आप को फिट रख पाता है। और जब फिट मूवमेंट लेकर हम आपके सामने आए हैं, फिट भारत प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं, तो ये तस्वीर आपको कहीं ना कहीं दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि भारत के कई गांव ऐसे हैं जहां पे ऐसा टैलेंट आपको कम ही मिलेगा, लेकिन इस टैलेंट की तस्वीर आपको दिखानी ज़रूरी थी। और अरुण भाई ने ये बताई, अरुण भाई ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं काफ़ी अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन यहां पर कुछ और चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसा मकसद जिम में देखते हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। ये मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे जिम के अंदर आप बेंच होती है, बेंच प्रेस करते हैं, चेस्ट करते हैं, शोल्डर करते हैं बैठ के या लेट के, तो उसी हिसाब से हमने ये अपना देसी अंदाज में ये बनाया हुआ है, पूरा सीमेंट से बना के रखा हुआ है, अपने आप अपने खुद हाथों से ही। ठीक है, हाँ जी। अच्छा इसमें एक चीज़ और बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें ना हमने कोई मिस्त्री विस्त्री कुछ नहीं, खुद ही अपने आप ही हमने खुद ही बनाया अपने हाथों से, कि भाई ये कंस्ट्रक्शन जो भी है आप देख ही रहोगे सीमेंटेड है, कि लग रहा होगा कि कोई आया होगा। अच्छा, पहले इसमें ईंट को लगाया जाता है, हाँ जी, सीमेंट किया जाता है। हाँ जी, ये इसमें सीमेंट है, इसमें सरिया डली हुई है, अब ऊपर है ये पूरा ईंट का है, ये ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ है इसमें सीमेंट का। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं आपको देखनी जरूरी है, इसमें ईंट लगाया गया है, उसके बाद सरिया, उसके बाद सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज की जाती है, वो एक्सरसाइज हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन इस तस्वीर को आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी मशीनें लाते हैं तो लाखों का खर्चा लग जाता है, लेकिन जब भारत में लोग फिट रहने पर आते हैं तो अपने आप को किस तरीके से बिना खर्चे के फिट रख पाते हैं, ये तस्वीर कहीं ना कहीं है। अरुण भाई इसका यूज़ किस तरीके से वो भी बताइए। अभी दिखाएंगे करके, ये वर्कआउट चेस्ट का है, हाँ आराम से रिलैक्स, बहुत बढ़िया, ये पूरा इफेक्ट अपने आपके चेस्ट पर पड़ेगा। तो इसमें हम वेट बढ़ा भी लेते हैं, कम करना हो, जैसे कम वेट कर लिया और साथ में बढ़ा लिया, तो वो स्ट्रेंथ के ऊपर है कौन कितना वेट मारता है कैसे। तो ये चेस्ट की एक्सरसाइज है जो अरुण भाई बता रहे हैं, आप देखिएगा कि एकदम सीमेंट का बना हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर आसानी से आप अपने आप को फिट रख पाएंगे, बहुत आसान तरीका है। ये भी ये रॉड है, रॉड हमने मंगाई थी कहीं से, तो यहाँ पे वेल्डिंग करा के खुद ही, ये पूरा सिस्टम इसका रॉड का भी हमने खुद नहीं कराया। अच्छा अरुण भाई एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीजें तो हम बता रहे हैं, अगर किसी के पास ऐसा मैदान ना हो, हाँ, तो क्या घर की छत पे या कहीं पे भी इन चीजों को बना के आसानी से कर सकता है एक्सरसाइज? बिल्कुल कर सकता है। अभी कोविड आया था तब लॉकडाउन था बहुत प्रॉपरली, तो मैंने खुद बना के घर पे ऊपर छत पे मैंने ये सेम ये इक्विपमेंट्स बना के, ये अलग है, वो मेरा घर का अलग है, तो बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता इसमें। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आदमी में कोई चीज़ करने की ललक हो ना, कुछ करने की, भाई मुझे फिट रहना है या वो करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो, तो आदमी कुछ भी कर सकता है अपने फिट होने के लिए। अब सुविधाएं सब कुछ रखी हैं, पर एक्सक्यूज़ होता है उन लोगों के पास, वो वर्कआउट नहीं करते, वो घर से निकलते नहीं हैं कि भाई आज यार मैं लेट नाइट में पार्टी में था, आज मैं लेट हो गया किसी फंक्शन में। तो बाकी हमारे गांव में एक हमारे यहाँ पे एक शेड्यूल बना हुआ है कि कुछ भी हो जाए, सोना 10 बजे से पहले है या 10:30 बजे से पहले है, उठना 4:30 या 5 बजे, ये हमारा रूटीन है, ये हमने बना रखा है, करना ही है। कोई पार्टी वार्टी जाए, ओकेजनली कोई शादी या पार्टी या कुछ होता है गांव में, तो उसमें आप लोग जा सकते हो, बाकी उठना जब ही पड़ेगा आपको 4:30-5 बजे के आसपास ही। ठीक है, तो ये एक मतलब दिनचर्या है, ये एक नियम है, एक रूल है। अच्छा
अरुण भाई एक चीज आपसे और मैं पूछूंगा, क्योंकि अभी कुछ और एक्सरसाइज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको फिट रहना है, देसी अंदाज तो आप अपना रहे हैं, लेकिन खान पान का भी ध्यान बहुत रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूध हो गया, अच्छा मैं वेजिटेरियन की बात करूँ जी, जी तो उसमें क्या कुछ खाया जा सकता है, दूध या कुछ ऐसी चीजें जिससे अपने आप को फिट रख पाए? देखो फिटनेस तीन तरह के, मैं ट्रायंगल एक हमारा होता है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा तीन चीजें करनी पड़ेंगी अगर आपको बिल्कुल फिट स्वस्थ रहना है। सबसे पहले वर्कआउट, फिर गुड स्लीप और गुड डाइट। ये तीन चीज आप अच्छी रखोगे तो आप बिल्कुल फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और इसमें आप वेजिटेबल, आप पूछे वेजिटेरियन, तो इसमें वेजिटेरियन आप डाइट में नॉर्मली आप घर का खाना ले सकते हो, दूध दही छाय देसी खाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना, अच्छे से प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, तो किसी से कोई दिक्कत नहीं होती। बस दिक्कत जंक फूड आप खाते हो, पिज़्ज़ा या और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं पता नहीं क्या क्या, तो उनसे ज़्यादा हार्मफुल होती है बॉडी। तो ये वो चीज़ें हैं ना, ज़्यादा पैसा लगेगा और ना ही आपको ऐसी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है जो आप जिम जाके करते हैं या फिर कहीं और। ये देसी अंदाज में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे फिट अपने आप को आप रख पाते हैं। कुछ और चीज़ें हैं अरुण भाई, ये एक रस्सा लटक रहा है बहुत बड़ा, इसके बारे में बताइए कि ये है क्या और इससे कैसे फिट रहा जा सकता है? भाई इसमें फिट क्या, मैं ये बता रहा हूँ, सबसे गजब और सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज ये है। स्ट्रेंथ इसमें आपकी पता चल जाएगी, जो भी बोल रहे हैं, जैसे हम जिम में जाते हैं तगड़ी तगड़ी बॉडी होती है, उनको चढ़वा देना, एक मुझे लगा कोई होगा जो चढ़ पाएगा, नहीं तो आधे में क्या दो फुट भी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसमें प्रॉपर जो है स्ट्रेंथिंग का काम होता है, इसमें तुम्हारी पावर ताकत सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, तो ये कोई करके दिखा पाएगा, आप किसी से कह सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो सब बच्चे जो आते हैं सबको ये हम कराते हैं। स्ट्रेंथिंग हमारी सबसे मेजर, मतलब हमारी मेन एक्सरसाइज ही ये होती है हमारे यहाँ पर। तो मैं हिमांशु, इसकी हाइट आपकी 25 फुट के आसपास है। अच्छा, तो हिमांशु एक बार में, मतलब बिना पैर टेके कम से कम 3 या 4 बार कर लेता है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये पूरे बॉडी को कहते हैं कि पूरे बॉडी को ही कंट्रोल करती है और पूरे बॉडी को आपके फिट रखती है? ये आपके कोर, आर्म्स, शोल्डर, बैक, सब कुछ, बस लेग्स को छोड़ के बाकी सब पूरा इसमें अपर बॉडी पूरी चलती है। अच्छा? आप देख ही सकते हो यहाँ पर ग्रिप, फोर आर्म्स, सब कुछ इसमें टाइट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ताकत भी अरुण भाई बहुत लगती होगी इसमें? भाई पूरी ताकत ही लगती है इसमें। ये पूरा स्ट्रेंथिंग और ताकत पूरा इसी में पता चल जाता है आदमी की। कठिन है लेकिन आप इसे करिएगा जरूर, पूरी बॉडी को आपके कंट्रोल रखेगी और ये देसी अंदाज है भाई। अगर आपको फिट रहना है तो देसी अंदाज कहीं ना कहीं अपनाना होगा। पैसा खर्चा करिए लेकिन उस हिसाब से करिए कि आप पैसा बचा भी पाएं और आगे अपने करियर को बना भी पाएं, लेकिन फिट रखना है तो देसी अंदाज अपनाना होगा और जो अरुण भाई बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको करना होगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और एक्सरसाइज आपसे जानूं, लेकिन एक शब्द है फिटनेस में या इसमें, आलस, उसको कैसे निकाला जाए वो जरा बताइएगा। आलस, आलस एक तरीके से निकल सकता है जो मेरा मानना है जी। कोई एक बंदा रखो रेंट पे, जैसे ही आलस आए पीछे दो खींचे एक सोटा। देखो आलस वर्ड जो है, ये तो एक मजाक था, आलस हर किसी के अंदर होता है। अब तुम कोई भी चीज़ है, हम कोई काम करने बैठ गए, अब हमारा मन नहीं है। अब सपोज करो मेरा ये रस्सा खींचने का मन नहीं है, तो मैं एकदम से यार नहीं आज नहीं करना, पर मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर पावर, मतलब कुछ करने की मेरे अंदर इच्छा है, तो मैं आलस वालस वो बंदा भूल ही जाएगा, जिसे कुछ करने की ज़रूरत, कुछ करने का मन ही नहीं करना, पड़ा रहना, उसे सबसे ज़्यादा आलस खाएगा। बाकी जिसके अंदर होगी ना कुछ करने की, भाई मुझे करना है, बॉडी फिट करनी है, मुझे भागना है, आज 100 मीटर करा है, कल 200 मीटर करूंगा मैं, फिर 300 मीटर भागूंगा, तो वो ही उनके अंदर आलस नहीं होता। और जो बिल्कुल ही नहीं भैया, अब सपोज करो मैं कोई डंबल उठवा दूं यहाँ पे, तो उसने आज मार लिया, कल को पूरी बॉडी दुख गई, अब वो वहीं पर फेल हो गया। जो फेलियर्स होते हैं उनके अंदर होता है आलस। तो आलस शब्द का इस्तेमाल अपने डिक्शनरी में मत लाइएगा प्लीज़, आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर आपको फिट रहना है तो। और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आलस को नकार दीजिए लेकिन फिट अपने आप को ज़रूर रखिए। चलिए ठीक है अरुण भाई, कुछ और चीज़ें हैं वो भी अपने दर्शकों को फटाफट से दिखाते हैं, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये चिनअप है, पुलअप्स आप कह सकते हो। आ जाओ राहुल, आ जाओ भाई, ये मेरा छोटा भाई है, मोस्टली यही देखता है यहाँ पे मेरा, ये इधर सूट वूट में बाहर रहता हूँ ज़्यादातर, तो मेरा छोटा भाई राहुल है, यही पूरा मतलब कंट्रोल करता है, यही बच्चों को सिखा रहा है और सब कुछ। चलो जी,
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अरुण भाई, इसे चिनअप्स का क्या कहा जाता है? पुलअप्स, चिनअप्स। इसमें हमारा बैक चलेगा, बाइसेप्स चलेगा और ये पूरा फोर आर्म्स। हाँ जी, तो ये आपकी अपर बॉडी को कहीं ना कहीं ठीक रखता है, पूरी ठीक रखता है ये बैक, बाइसेप्स। ये बैक की एक्सरसाइज थी जो अरुण भाई बता रहे थे। अरुण भाई, कुछ और मशीनें वहाँ पे बनाई हुई हैं, इसका भी मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि वो तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें ऐसा होता है जैसे हमारे बॉडी पार्ट होते हैं ना, जैसे चेस्ट का हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो नॉर्मल हमारी चेस्ट तीन टाइप, मतलब तीन स्टेज पे हमारा वर्कआउट होता है चेस्ट का, लोअर चेस्ट, ये आपका मिडिल और अपर चेस्ट। तो वो आपने करी, वो मिडिल चेस्ट जहाँ पे प्रेस, जो चेस्ट प्रेस है वो यहाँ पे वर्क करेगी। ये आप वर्कआउट करोगे सेम वही होगी उसे रॉड से, और ये हमारी होगी अपर चेस्ट के लिए, अपर ये मसल्स को डेवलप करती है ये एक्सरसाइज। अच्छा, ये भी बिल्कुल सीमेंट से बना हुआ? बिल्कुल, सब सीमेंट का है, बिल्कुल जी। ये भी हमने बाई किया था, ये पूरा देसी जो पाइप होते हैं वो हमने बेल्ट वेल्ट करा के, ताकि यहाँ पर रॉड लग जाए, वेट लग जाए। ये हम बोलते हैं प्रीचर, बाइसेप्स का वर्कआउट होता है इसके अंदर। कोई ना कोई सिर्फ दे दो यार, देसी प्रीचर है ये, प्रीचर है। हम बाइसेप्स को ऐसे रखेंगे आगे और करेंगे। तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, और ये बिल्कुल देसी अंदाज में आप देख रहे हैं कि सीमेंट से बना हुआ है, और ऐसा बनाया जा सकता है। और बाइसेप्स अगर आपको बनाने हैं डोले शोले, तो आप तकरीबन ऐसे ही करें। अब उधर चलेंगे थोड़ा सा, और अपने दर्शकों को दिखाने की अरुण भाई कोशिश करते हैं कि इस मिट्टी का इस्तेमाल, क्योंकि कहते हैं कि मिट्टी आपको ताकतवर बनाती है, और भारत की मिट्टी जब आपको ताकतवर बनाती है तो आप दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, चाहे आप बॉर्डर पे हों या फिर आप किसी गेम में हों। तो ये अरुण भाई ने बताया कि ये मिट्टी का मैदान है, और यहाँ पे आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं आप देखिएगा। थोड़ा सा फावड़ा आपको चलाना है। अरुण भाई, ये फावड़े चलाने का क्या प्रोसेस है, क्या होता है? ये फावड़ा जो है ये आपका 12 किलो का है, और ये इसे बोल रहे हैं जैसे भाई कर रहे हैं ना, ये पलटी मारना जी। तो अखाड़े की पलटी मारना, अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ जो वर्कआउट नहीं करता तो ये दो पलटी मार ही नहीं सकता। ये अभी एक हुआ है, ये तो बहुत छोटा भी अखाड़ा है, इससे बड़ा होते हैं, बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें भी स्ट्रेंथिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, बॉडी में बड़ा कैड़ा काम है भैया इसका। ये भी तो स्ट्रेंथ अगर आपको लानी है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको करनी होगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा संभल के ज़रूर करिएगा। और जैसा अरुण भाई बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ लानी है तो ये चीज़ें करनी होगी। अब इसका यूज़ मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है, कई वीडियोज़ में देखा है, इसका यूज़ किस तरीके से बॉडी पार्ट में होता है? ये आप, ये टायर है, ये इसमें कार्डियो के रूप में, मतलब कार्डियो जैसे करना हो उसके, उसमें करते हैं अपना स्ट्रेंथिंग के लिए, वर्कआउट के लिए, तो उसी में ये काम आता है। ऐसा पर्सनली मैं एक बात बताऊं, इसमें कोई अगर कहें किसी गेम में या किसी उस चीज़ में कोई इसका यूज़ ज़्यादा है नहीं, बट मतलब फिट रहने के लिए थोड़ा सा आप इसे कर सकते हैं। ये हथौड़े का भी यूज़ किस तरीके से होता है? हथौड़े का भी इसमें आप फिट रह सकते हो कंटिन्यू, भाई एक मिनट करना है, दो मिनट करना है या पाँच मिनट कर सकते हो, उसमें स्ट्रेंथ का ही है सारा खेल। स्ट्रेंथिंग ही इम्प्रूव करनी है तो करते रहो, और बाकी जितनी ज़्यादा आप वर्कआउट करोगे, अपनी बॉडी को आप एक्सरसाइज करोगे तो उतनी ही आप। अच्छा, एक बार करके दिखा सकते हैं इसको कैसे होगा? ये भी एक अलग तरीका है फिट रखने का, लेकिन जैसे अरुण भाई बता रहे हैं कि किसी की निगरानी में ही आप इसे करिएगा, क्योंकि अरुण भाई जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वही ये बच्चे करके दिखा रहे हैं, ताकि अपने आप को सुरक्षित भी रख पाएं। क्यों अरुण भाई? क्योंकि अगर आप कोई भी अगर फिटनेस का कुछ भी कर रहे हैं तो किसी की निगरानी में होना जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये मैं बोलने वाला था, कोई भी वर्कआउट करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, अपने किसी अंडर, किसी के अंडर करो जो अच्छा, मतलब रेसलिंग करनी है तो कोई अच्छा आपका ट्रेनर है उसके अंदर आपको करनी चाहिए, क्योंकि खुद से हमें नॉलेज नहीं होती, टेक्निक की हमें पता नहीं होता, तो उसमें बड़ी इंजरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर एक बार कहीं इंजरी हो जाए ना, या लोअर बैक में या कमर में, इधर अपर बैक में या शोल्डर में, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये हमारी इंजरी वगैरह जो होती है ये इसलिए ज़्यादा होती है। तो अरुण भाई, हमारा जो प्रोग्राम है वो भारत को फिट रखने को लेकर है,
श्रेष्ठ भारत ये मुहिम चलाता है कि आप अपने आप को किस तरीके से फिट रख पाएँ। हम जिम में भी गए, योगा सेंटर में भी गए, अखाड़े में गए, लेकिन ये जो टेक्निक है ये सोच आखिर आई कहाँ से? क्योंकि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, मैंने काफ़ी सारी आपकी तस्वीरें भी देखी इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, लोग इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हाँ हम घर में कैसे करें बॉडी को फिट रख पाएँ, कोई गेमिंग में भी जाना चाहता है, तो इंस्पिरेशन कैसे मिली और उसके बाद कैसे ये तैयार हुआ? भाई पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, जो आपने ये मुहिम इंडिया फिट मुहिम जो आपने चला रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं यही बोलूँगा कि लोगों को एक घंटा या आधा घंटा अपने लिए निकालें, अपना वर्कआउट के लिए, अपना व्यायाम के लिए, ताकि आपको आप फिट रहें। आप फिट रहोगे तभी बाकी पता होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो लोग बाग ना ये सोचते हैं भाई इधर ये पैसा कमा लूँ, वो कर लूँ, इधर चला जाऊँ, ये डील हो गई, वो हो गई, वहाँ पे मीटिंग है, टाइम नहीं मिल रहा, वर्कआउट को ऐसे इग्नोर करते हैं ना जैसे पता नहीं इनकी लाइफ में कुछ है नहीं। फिर वही उन्होंने कमाया पैसा पूछा और फिर उनकी हेल्थ हो गई ख़राब, वही पैसा फिर अपनी हेल्थ पर लगा रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ा लोगों को समझना ज़रूरी है कि आप पैसे वैसे कमाओ, मैं मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही मत करो, एक शेड्यूल अपने बिजी शेड्यूल में एक घंटा डेढ़ घंटा आप अपने आप को भी दो, अपने वर्कआउट, अपने शरीर, अपने जो दिनचर्या उसमें बिजी शेड्यूल में से निकाल के आप करो। और बाकी आप अपने घर में भी इक्विपमेंट बहुत, अब ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें आ रही हैं भाई, हो सकता है भाई जिम जाने का टाइम ना हो या जिम बहुत दूर है आपसे, तो आप अपने घर पे भी इक्विपमेंट आप ला सकते हो, वहाँ पे वर्कआउट कर लो। ये तो वो एक्सक्यूज़ वाली बात हो गई, भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये है, मेरा बिजनेस है या मेरा जॉब है या मुझे वो करना है, तो ये एक्सक्यूज़ को साइड में रखो। बस मैं यही बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप एक घंटा, दो घंटा या आधे घंटा जितना भी आपको टाइम मिले अपने शरीर को, अपनी चीज़ों को बिजी शेड्यूल से निकाल के अपने शरीर को अपने टाइम, तो बहाना मत ढूंढिए, और अगर आप बहाना ढूंढेंगे तो ऐसे फिट नहीं हो पाएंगे। और जो अरुण भाई ने बताया कि बहाने से वो बहुत दूर रहते हैं, और अगर आपको फिट रहना है तो बहाना तो कहीं ना कहीं दूर करना ही पड़ेगा। श्रेष्ठ भारत आपको बताता है तरीके कि कैसे आप अपने आप को फिट रख पाते हैं, और इन तरीकों से आप ज़रूर फिट रह पाएंगे, क्योंकि यही मेरा भारत है, यही आपका भारत है, यही हम सबका भारत है कि हम किस तरीके से फिट रहते हैं। क्योंकि आप अपने आप को फिट रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा देश खुद ब खुद तरक्की करेगा। थैंक यू अरुण भाई, हिमांशु भाई और पीयूष भाई, जितने भी हैं, रवि भाई, जो भी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय निकाला और श्रेष्ठ भारत के साथ आए और श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को ये बताया कि किस तरीके से आप अपने आप को फिट रख पाते हैं। फिलहाल अगले हफ्ते फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नई जगह पर, और आपको बताएंगे कि आप कैसे फिट रख पाते हैं अपने आप को और कैसे फिट रख सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।